जी अस्सलाम वालेकुम, ये वाजिद अली फ्रॉम शेखुपुरा मेरे पास आए हैं और कुछ 12 लाख का फ्रॉड करवा चुके हैं वीजे के हवाले से। आई जस्ट कांट इमेजिन, तो मैं चाहता हूँ आप इनकी जुबानी खुद सुने और प्लीज बे केयरफुल यार के पहले पैसे कभी ना दिया करो। जी वाजिद बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वाजिद अली, जिले शोकपुरे से हूँ। मेरे साथ ही ऐसे ही फ्रॉड हुआ है, ये 9 कंसल्टर समीर ग्लोबल ट्रैवल टूर, इनकी इस्लामाबाद बहुत बड़ी एजेंसी है। इसके स्टाफ से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने ऐसे करके तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया दिया है। फिर वो पासपोर्ट भी उनको TCS करवाया था, किस कंट्री का वीजा था? कनेडा के लिए। अच्छा, तो फाइनल मेरा 5 लाख में हुआ था उनसे। तो वीजा लगा आपका? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। पैसे वापस दिए उन्होंने? नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। क्या कहते हैं? कुछ भी, नंबर ब्लॉक कर गए हैं। बाद में नंबर ब्लॉक कर जाते हैं, अगर कोई और नंबर ढूंढ के कॉल करते हैं तो वो भी ब्लॉक कर जाते हैं। एक तो चक्कर लगाया है। इसके अलावा कहीं पे आप गए हो? इसके अलावा फिर इस्लामाबाद में उसका नाम वकार शाह है, तकरीबन 1.5-2 लाख उसको दिया हुआ। किस कंट्री के वीजा? उसको भी इसके लिए कनेडा के लिए दिया हुआ था। क्या कहा उसने फिर उसके बाद? उसके बाद वो भी ब्लॉक कर गया नंबर। अच्छा, उसके बाद एक तारक शाह था, वो भी इस्लामाबाद में था। उसके साथ रमानिया की बात हुई थी, वो भी 2 से 3 लाख रुपया लेके बाद में वो भी नंबर ब्लॉक कर। इसके बाद कोई? इसके बाद ये लाहौर में है, इधर शिमला बाड़ी में। अच्छा, उसके पास गया हुआ था तो उन्होंने भी ऐसा ही किया है। उसका नाम भी वकास था, सईद वकास शाह। ठीक है, फिर तो इसे कर करके मैं तो तकरीबन थक चुका, 12 लाख रुपए 13 का नुकसान किया हुआ। अभी ये आप तो क्या करते हो जॉब? मैं एग्रीकल्चर का काम कर। कहाँ पे? जिला शोपुर के साथ। तो यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ और सब देखने वालों को भी बताना कि आप लोग पहले पैसे क्यों देते हो? मतलब वो क्या चीज है जो आपको फैसिनेटिंग लगती है कि यहाँ चलो यार दे, वो यार ओके हम पैसे दे देते हैं पहले? बस वो बातें ऐसी सुनाते हैं कि उनकी बातों पे यकीन करके हम फंस जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि पहले किसी को 1 रुपया भी ना दो। पहले तो आपने मेरे से एक वादा करना है कि आज के बाद जिंदगी में कहीं भी अप्लाई करो कभी भी 1 रुपया नहीं देना यार। हक लाल के पैसे ही हराम के। हक लाल बी केयरफुल यार, आप लोग क्यों फंसते हो इस चीज में? बिल्कुल ऐसे ही चले।